हेलो मैकेनिक दोस्तों, स्वागत है आपको भोलेनाथ ऑटो रिपेयरिंग शॉप चैनल में। आज एक एक्सेल 100 बाइक आया है, देख सकते हैं BS6। इधर दिखाइए, ये BS6 का गाड़ी है। ये चाबी ऑन करने से इधर आप लोग को दिखाई दे रहा है चेक इंजन लाइट। और ये दोस्तों देख सकते हैं नीचे ये फ्यूल पंप है। और इधर देख सकते हैं ये BS6 का गाड़ी है। इधर सेंसर लगा हुआ है, ये साइलेंसर में सेंसर लगा हुआ है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो किक मार के दिखाता हूँ आप लोग को। हॉर्न बाज रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं ले रहा है। देख सकते हैं स्टार्ट नहीं ले रहा है। तो स्टार्ट नहीं ले रहा है तो सबसे पहले क्या चीज़ चेक करना है, हमारा करंट स्टेप बाय स्टेप चेक करना है करंट आ रहा है कि नहीं। तो प्लग को इस तरीके से खोलना है। ये BS6 का गाड़ी है लेकिन हमारा पास कुछ भी इसका ये मतलब OBD कनेक्टर कुछ नहीं है। तो हमको OBD कनेक्टर नहीं है तो इसका किस तरीके से काम करना है आप लोग को दिखाता हूँ। तो इसमें अभी किक मार के चेक करना है करंट आ रहा है कि नहीं। तो इसको इस तरीके से प्लग नहीं खोल के चेक करना है। ये देख सकते हैं करंट आ रहा है। तो करंट हमारा आ रहा है लेकिन फिर भी स्टार्ट नहीं ले रहा है गाड़ी। तो सबसे पहले प्लग खोल के देखेंगे क्या हो रहा है। ये प्लग इस तरीके से खोल लेना है, खोलने के बाद क्या प्रॉब्लम है देखना है। प्लग हमारा सही है लेकिन फिर भी स्टार्ट नहीं ले रहा है। तो अभी प्लग को चेक करना है क्या प्रॉब्लम है प्लग में। ये एकदम प्लग ड्राई पड़ा है, हो सकता है तेल नहीं आ रहा है, हो भी सकता है। तो इस चीज़ को चेक करना है आप। तो अभी प्लग को इस तरीके से लगा के प्लग शॉर्ट हुआ कि क्या हुआ है चेक करना है ठीक मान। तो इधर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बारीक दिख रहा है करंट। करंट हमारा बहुत ही कम है इसमें, तो हो सकता है प्लग में प्रॉब्लम है। प्लग को एक बार चेंज करके देखता हूँ। वो दोस्तों ये प्लग और नया प्लग है, ये तो दोनों में करंट सेम ही आ रहा है। तो प्लग न्यू इंस्टॉल करके देखता हूँ कि मतलब गाड़ी स्टार्ट हो पाता है कि नहीं, नहीं तो दूसरा स्टेप देखना पड़ेगा। तो इसके बाद ये न्यू प्लग इंस्टॉल करके देखता हूँ। ये देख सकते हैं न्यू प्लग, ये हमारा पुराना। तो दोनों में करंट का प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, फिर भी प्लग को चेंज करके देखता हूँ कि गाड़ी स्टार्ट हो पाता है कि नहीं, नहीं तो दूसरा कुछ प्रॉब्लम है कि क्या है कंफर्म करना पड़ेगा। ये प्लग हमने लगा लिया है। तो अभी इधर दिखाइए, इधर देख सकते हैं चेक इंजन लाइट जल रहा है और ये लाइट अभी नहीं जल रहा है। तो किक मारने के बाद दिखाता हूँ। देख सकते हैं किक मार के नहीं हो रहा है। तो सेल्फ का उपयोग करता हूँ, सेल्फ में थोड़ा रेस्पॉन्स आ रहा है लेकिन ये सेल्फ मारते ही ये लाइट अभी जल रहा है। ये ऑफ ऑन करने के बाद ये लाइट चला जाता है। उसके बाद जैसे ही सेल्फ मारता हूँ फिर ये लाइट जला हुआ रहता है। तो इसका मतलब करंट से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग को फ्यूल देखना है। फ्यूल इस साइड में रहता है। तो फ्यूल चेक करने के लिए इधर वाला साइड पैनल ओपन करना पड़ेगा। तो ये ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। तो दोस्तों उधर प्लग और करंट चेक करने के बाद इधर फ्यूल चेक करना है हम लोग को। तो इधर साइड पैनल ओपन कर लिया है। तो इसको फ्यूल चेक करने के लिए इसको निकालना पड़ेगा। इसको सिंपली इस तरीके से प्रेस करेगा तो, और इधर खींचने से इसे निकल जाएगा। तो इधर फ्यूल का जो छिड़काव है सप्लाई है प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, ये चेक करना है हम लोग को अभी। तो इधर देख सकते हैं चेक इंजन लाइट जल रहा है। इसके बाद इधर दिखाइए फ्यूल का छिड़काव हो रहा है कि नहीं चेक करना है अभी। इधर आप लोग को देखना है कि फ्यूल प्रेशर से आ रहा है कि नहीं। तो अभी किक मार रहा हूँ, किक मारने के बाद भी इधर फ्यूल का छिड़काव नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब इधर कुछ फ्यूल का ही प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है आप लोग को दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो दो पाइप है ये है मतलब
इसमें इनपुट जाता है और पेट्रोल इधर, ये और एक पाइप है, ये रिटर्न पाइप है, ये इनपुट पाइप है और ये रिटर्न पाइप है। पेट्रोल ज़्यादा हुआ तो इसमें रिटर्न जाता है, और ये है फ्यूल मोटर हमारा, ठीक है। तो इधर दोस्तों आपको ओपन करना है, इधर एक सीक्रेट फिल्टर रहता है, तो और ये रिटर्न पाइप है, तो ये दोनों को ओपन करना है। तो पहले ये ओपन कर लेता हूँ, इसको ओपन कर लेना है। ये देख सकते हैं ये रिटर्न पाइप है, थोड़ा सा पेट्रोल निकला अभी इसमें। ये निकालने के बाद आपको इधर पेट्रोल आएगा, ये मेन पाइप है, इधर एक फिल्टर रहता है, आप लोग को दिखाता हूँ। खोलने के बाद मालूम पड़ेगा आप लोग को, ये खोल लेना है। उसका बाद बोतल लेके, ये देख सकते हैं पेट्रोल है इसमें। ये दोस्तों ये इनपुट पाइप है, मतलब फ्यूल जो ये है, फ्यूल मोटर को इससे सप्लाई जाता है। उसका बाद जो फ्यूल ज़्यादा होता है इसमें, मतलब ये जो पाइप है इसमें से फिर टैंकी में जाता है। देख सकते हैं इतना पेट्रोल निकला है अभी, इधर और पेट्रोल नहीं है, टैंकी में खाली हो गया। लेकिन ये जो इधर आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है, इधर एक सीक्रेट फिल्टर है, तो ये फिल्टर हो सकता है जाम है कि नहीं, आप लोग को दिखाता हूँ खोल के। ये इस तरीके से ये खुलता है, ये देख सकते हैं ये खुल गया है। तो दोस्तों ये फिल्टर जाम है लगता है, ये देख सकते हैं कचरा है इधर, तो इसको वॉश करके लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सीक्रेट फिल्टर थोड़ा सा जाम था, तो इसको लगा लेता हूँ। उसके बाद देखता हूँ इधर फ्यूल का छिड़काव होता है कि नहीं, तो हमारा दूसरा स्टेप यूज करना पड़ेगा। ये तीसरा स्टेप यूज करना पड़ेगा, ये सीक्रेट फिल्टर इस तरीके से इधर लग जाएगा, देख सकते हैं। ये जो है ये इधर नहीं लगेगा, दो ये रहता है, ये जो है इनपुट पाइप, तो इसमें फिल्टर होके पेट्रोल जाता है अंदर, तो इसमें सीक्रेट फिल्टर दिया हुआ है। तो ये जो छोटा वाला ये है, मतलब पाइप है, इधर लगेगा सीक्रेट फिल्टर में इस तरीके से, और इधर ये रिटर्न पाइप है, तो ये पाइप इधर लगेगा, ये बड़ा पाइप है, बड़ा पाइप इधर लगेगा, और दोनों क्लैंप को लगा देना है। ये देख सकते हैं उधर पाइप लगाने के बाद पेट्रोल इधर डाल लिया है, एक हाफ लीटर डाला और एक लीटर, टोटल डेढ़ लीटर से ऊपर है पेट्रोल, तो पेट्रोल डाल लिया देख सकते हैं। उसके बाद उधर चेक करेंगे नीचे पेट्रोल आ रहा है कि नहीं, मतलब फ्यूल पंप से काम कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं दोनों पाइप लगा लिया है, ये इनपुट पाइप, ये रिटर्न पाइप, तो ये लगा लिया है हमने। और इधर से फ्यूल का छिड़काव होना चाहिए, मतलब प्रेशर से फ्यूल आ रहा है कि नहीं देखना पड़ेगा। तो सीक्रेट फिल्टर भी हमने साफ करके लगा लिया है, उसमें थोड़ा सा कचरा था, देखता हूँ सीक्रेट फिल्टर का प्रॉब्लम था कि दूसरा कुछ प्रॉब्लम है। तो वीडियो में बने रहे, देखते रहे, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी मिलने वाला है। तो स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से चेक करना है आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी ऊपर दिखाए चाबी ऑन करना है, देख सकते हैं चेक इंजन लाइट जल रहा है, हॉर्न भी बज रहा है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट हरगिज नहीं हो रहा है। तो अभी किक मार के देखना पड़ेगा इधर फ्यूल का छिड़काव हो रहा है कि नहीं। तो अभी किक मार के दिखाता हूँ इस जगह में, ये जो है इधर फ्यूल का छिड़काव होना चाहिए, ठीक है। तो फ्यूल आ रहा है कि नहीं आप लोग देख सकते हैं, चाबी ऑन है इधर, देख सकते हैं ये चेक इंजन लाइट जल रहा है, चेक इंजन लाइट जल रहा है। और अभी किक मार के दिखाता हूँ, सेल्फ का भी उपयोग कर रहा हूँ, देख सकते हैं फिर भी इधर फ्यूल का छिड़काव नहीं हो रहा है और सेल्फ भी बंद हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप जो है बैटरी चेक करना है, बैटरी में चार्ज नहीं है, इस वजह से पावर नहीं मिल रहा है, फ्यूल पंप और जो सेंसर है ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो बैटरी चेक करके देखता हूँ बैटरी में प्रॉब्लम है कि दूसरा प्रॉब्लम है। बैटरी को खोलने के लिए ये चाबी ऑन करना पड़ेगा इस तरीके से, और ये दोनों नाट ओपन करना पड़ेगा, इसके बाद बैटरी निकल जाएगा। उसके बाद दिखाता हूँ, दो जो नाट है ये दोनों इस तरीके से ओपन कर लेना है, ये देख सकते हैं खुल गया, और इसको भी इस तरीके से खोल लेना है। तो देख सकते हैं मल्टीमीटर में बैटरी को चेक करना है, इधर फ्यूल चेक करने के बाद ये हमने खोल लिया है इधर बॉक्स, और
देख सकते हैं, अभी इसको चेक करके दिखाता हूँ। ये इधर एक माइनस पॉइंट है, ये ब्लैक वाला जो है इधर लगाना है, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। ये देख सकते हैं 1180, तो 1180 है वोल्टेज, तो बैटरी में चार्ज नहीं है, कम है, 12 वोल्ट का ऊपर होना ही चाहिए इसमें, ठीक है। तो बैटरी को चार्जिंग लगाना पड़ेगा उसका बाद, नहीं तो न्यू बैटरी लगा के आप लोग को दिखाता हूँ ये स्टार्ट हो पाता है कि नहीं। तो बैटरी को खोल लेता हूँ। तो दोस्तों बैटरी चार्जिंग में लगाया और ये न्यू बैटरी अभी इधर फिटिंग किया है, तो अभी दिखाता हूँ गाड़ी इधर फ्यूल मतलब आता है कि नहीं। तो आप लोग को ये देख सकते हैं फ्यूल का छिड़काव इधर नहीं हो रहा है, तो इसको फ्यूल क्यों नहीं आ रहा है आप लोग को चेक करना है। तो दोस्तों इधर हम लोग देखा कि चूहा देख सकते हैं, इधर तार कट किया हुआ है, इधर भी कट किया हुआ है और इधर भी देख सकते हैं ये कट किया हुआ है, इधर बहुत सारा जगह में कट किया हुआ है, ये देख सकते हैं इधर भी। तो अभी ये जो तार है पूरा कट किया हुआ है, ये इसको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने के बाद दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये ईसीयू है, ईसीयू भी बोलता है कोई कोई, बैक एंगल सेंसर भी बोलता है इसको। तो इसका वायर देख सकते हैं, चूहा काट किया हुआ है, ये एक तार और ये भी एक वायर देख सकते हैं इधर से। तो इसको ये इस तरीके से लगा हुआ रहता है, इसको खोलना है, खोलने के बाद ये ग्रुप में इधर लगता है, तो ये इधर ग्रुप में लगता है। उसका बाद इसको खोल लिया है हमने और देखा कि दो तार कटा हुआ है, तो दोनों वायर को जोड़ना पड़ेगा। ये काला देख सकते हैं, ब्लैक में जो हल्का सा वाइट वाला है, ये इधर लगेगा, और एक ब्लैक में जो येलो है, काला में पीला, इधर भी काला में पीला। तो दोनों तार को जोड़ लेता हूँ उसका बाद दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं ये दोनों वायर हमने जोड़ लिया है, ये देख सकते हैं इधर भी थोड़ा सा कटा है, ये जो ब्लैक में वाइट वाला देख सकते हैं, इधर नज़दीक से दिखाइए, ब्लैक में वाइट वाला ये ईसीयू से गया है, और ये जो है मतलब काला में पीला, ये भी पूरा इधर कट किया हुआ है, मतलब ये चूहा ने कट किया है इधर, तो इस जगह में हो सकता है इसको सोल्डरिंग करना पड़े। जोड़ तो दिया है अभी इस तरीके से, बहुत ही मुश्किल से वो जोड़ने का बाद इसको, ये जो वायर है दोस्तों देख सकते हैं ब्लैक में वाइट, और फ्यूल मीटर में भी, फ्यूल पंप का जो ये है इसमें भी ब्लैक में थोड़ा सा ये ग्रे कलर है, ये वाइट वाला ये फ्यूल मीटर में गया है, और एक जो ब्लैक में पीला वाला ये इधर भी ब्लैक में पीला है, देख सकते हैं ये ओवीडी कनेक्टर में। तो अभी ये फ्यूल मीटर का लाइन था, ये जो मेन लाइन था हमारा फ्यूल मीटर का लाइन था, अभी इसको दोनों को जोड़ लिया है, अभी देखता हूँ गाड़ी ये मतलब फ्यूल का छिड़काव हो पाता है कि नहीं, कि दूसरा कुछ प्रॉब्लम है। तो वीडियो में ध्यान से बने रहिए और देखते रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी मिलने वाला है, हुआ है कि क्या दूसरा प्रॉब्लम है आप। तो अभी इधर देख सकते हैं, अभी चाबी ऑफ है, चाबी ऑन करना पड़ेगा, चाबी जैसे ही ऑन किया देख सकते हैं इधर ये जल रहा है, ये चेक इंजन लाइट जल रहा है, बहुत ही अच्छा से जल रहा है, पहले कम जल रहा था। तो अभी इधर देख सकते हैं अभी पेट्रोल का छिड़काव हो रहा है कि नहीं आप लोग को दिखाता हूँ। ये अभी चाबी ऑन कर रहा हूँ, इधर देख सकते हैं चाबी ऑफ है, अभी ये देख सकते हैं ऑन कर रहा हूँ, अभी फ्यूल का छिड़काव प्रॉपर तरीके से हो रहा है, मतलब काम हमारा हो गया है लगता है। तो देखता हूँ गाड़ी स्टार्ट हो पाता है कि नहीं, स्टार्टिंग प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हो रहा हुआ है कि नहीं। ये फ्यूल जो मतलब फ्यूल पम्प का जो ये था वायर था, यही वायर ईसीयू से जो मतलब ईसीयू का साथ से इधर जो वायर था, ये फ्यूल पंप का वायर है, ये जो मतलब ब्लैक में काला में जो वाइट वाला है ये देख सकते हैं, ये इधर भी काला में वाइट है, तो यही वायर काट हुआ था, उधर चूहा ने काट किया था। तो अभी फ्यूल हमारा प्रॉपर तरीके से आ रहा है, तो अभी इसको लगा देना है, हमारा फ्यूल सीक्रेट फिल्टर भी ठीक है, प्लग भी ठीक है, सब कुछ सही है, चेक किया है, तो इसको इस तरीके से सिंपली पुश करना है, लग गया है। तो ये गाड़ी स्टार्ट हो पाता है कि नहीं देखता हूँ। तो इधर देख सकते हैं प्लग भी हमने लगा लिया है, प्लग भी लगाया हुआ है, और मतलब प्लग कैप लगा हुआ है अभी। तो ये वायर जोड़ने के बाद इसको प्रॉपर तरीके से लगाना है, ये इस तरीके से खुला रहेगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। इसको लगाने के बाद इस तरीके से ये जो होल है
इसमें फंसा लेना है इस तरीके से, सीधा इस तरीके से होना चाहिए। ये टेढ़ा रहेगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, ये गाड़ी गिर गया तो ये बाद में स्टार्ट बंद हो जाता है ECU का वजह से। तो ये BS6 में ये ऐसा सिस्टम है। तो इधर देख सकते हैं ये लाइट जल रहा है हमारा चेक इंजन लाइट, 2-3 बार इसको ऑन कर लेना है। रहा था ये नहीं जल रहा है, अभी बंद हो गया है, नहीं तो इधर 2-3 बार सेल्फ मारने के बाद इधर लाइट जल रहा था, तो इधर लाइट नहीं जल रहा है अभी। तो अभी वायर भी जोड़ लिया और इधर सब काम हो गया, चेक इंजन लाइट भी जल रहा है। अभी स्टार्ट करके देखता हूँ स्टार्ट हो पाता है कि नहीं, कि दूसरा कुछ प्रॉब्लम है। तो देखिए आप लोग, तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा गाड़ी स्टार्ट हो गया है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था, इसका जो ये ECU में चूहा ने वायर काट किया हुआ है, एक फ्यूल मीटर का ये फ्यूल पंप का वायर था और एक ये OBD कनेक्टर का था। ये जो ये वायर और एक ये वायर वो आप लोग को दिखाया, ये जो ये ब्लैक में जो पीला वायर है एक, और ब्लैक में जो वाइट ये देख सकते हैं, ये दोनों वायर चूहा ने काट किया था, इसी वजह से हमारा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाया है। अभी ये बैटरी में कुछ प्रॉब्लम नहीं था इसमें, तो बैटरी को फिर भी चार्जिंग में लगाया, बैटरी में थोड़ा सा वोल्टेज कम था। तो अभी गाड़ी देख सकते हैं प्रॉपरली हमारा स्टार्ट हो गया, फिर से आप लोग को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं तो दोस्तों मैनुअली किस तरीके से आप लोग को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है, तो कैसे चेकअप करना है और किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है आप लोग देखा। तो इस तरीके का वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी बहुत सारा है और आगे भी आते रहेगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट कीजिए और भी। और इस तरीके का वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। और स्कैनर जो होता है दोस्तों, ये कभी कभी ट्रेनिंग में हमने देखा कि हमने जब ट्रेनिंग किया है BS6 का, तो ट्रेनिंग में देखा कि ये स्कैनर भी फेल हो जाता है, स्कैनर कभी कभी काम नहीं करता है। तो इसके लिए मैनुअली किस तरीके से चेक करना है ये चीज़ भी आप लोग को आना चाहिए। तो मेरा वीडियो देखेगा तो इस तरीके का प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग के लिए मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो XL 100 का जो भी वीडियो है आप लोग को मतलब मेरे चैनल में मिल जाएगा, भोलेनाथ ऑटो रिपेयरिंग सर्च कीजिए, उसमें आप लोग को मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग को लिंक मिल जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से हमने क्या क्या चीज़ चेक किया, क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया और हमको सक्सेसफुली मतलब गाड़ी का काम कर पाया। गाड़ी स्टार्ट जो नहीं हो रहा था चूहा काट वायर काट करने का वजह से इसका प्रॉब्लम हो रहा था, हमने क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया, पहले प्लग चेक किया, उसके बाद सीक्रेट फिल्टर, उसके बाद बैटरी, फिर भी नहीं हुआ तो फिर बाद में वायरिंग हम लोग देखा वो तो चूहा काट किया हुआ था, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा था तो इसको जोड़ दिया। अभी गाड़ी सक्सेसफुली हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो आप भी हमारा वीडियो देखिए, इसी तरीके से जानकारी मैं देता रहता हूँ। ये BS6 का बाइक था, इसमें कुछ भी OBD हमने नहीं लगाया, ये देख सकते हैं इधर OBD कनेक्टर है, हमारे पास कुछ भी OBD नहीं है। तो OBD हम लोग नहीं, अभी अवेलेबल होगा तो बिल्कुल दिखाऊँगा, अभी फ़िलहाल नहीं है। तो अभी विदाउट OBD हम लोग कैसे इसको, इसका जो प्रॉब्लम है आप लोग का शॉप में इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो आप लोग को घबराना नहीं है। तो इसी तरीके से मेरा वीडियो देखते रहिए और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोग चुटकी में निकाल सकते हैं। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए भोलेनाथ ऑटो रिपेयरिंग शॉप का वीडियो।